बैतूल जिले के चिचौली में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सोसाइटी में लंबे समय 11 वर्ष बाद चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। इसमें संस्था को चलाने के लिए 11 पद संचालक मंडल के सदस्य हैं, जिनके निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 20 जुलाई तक विभिन्न राजनीतिक दलों के 56 आवेदन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की समीक्षा कर सूची अंकित होगी। 22 जुलाई को 12 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी होगी और इसके पश्चात शेष को चिन्ह आवंटन कर सूची प्रकाशित की जाएगी। 27 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, इसके बाद मतगणना होगी। वहीं 28 जुलाई को निर्वाचित सदस्यों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। चिचौली सोसाइटी अंतर्गत 3153 मतदाता कृषक सदस्य हैं, जिनमें से पात्र किसान मतदाता ही मतदान करेंगे। उक्त जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश वडियालकर ने दी। इस संस्था में वर्षों बाद निर्वाचन हो रहे हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। दोनों भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने यहाँ पर घमासान मचाया हुआ है। देखना यह है कि सहकारी संस्था के अध्यक्ष पद पर अब कौन काबिज होगा। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के आज निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आज नाम निर्देशन पत्र अर्थात नामांकन पत्र लेने का दिवस था और आज सभी उम्मीदवार जो यहाँ के सदस्य हैं उनके द्वारा 56 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और प्राप्त नामांकन पत्र की जांच कल की जाएगी और कल के पश्चात नेक्स्ट डे यानी 22 तारीख को नामांकन पत्र की जो फाइनल स्थिति बनेगी उस पर जो नाम वापस लेना चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। तत्पश्चात उम्मीद चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, उन्हें चिन्ह आवंटन किया जाएगा और 27 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान का दिन रहेगा और सदस्य मतदान करेंगे अपने संचालक मंडल के निर्वाचन। तत्पश्चात 31 जुलाई को अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा।